सब्सक्राइब कीजिए होम शेफ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए मजेदार सी रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। आज हम बना रहे रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए दूध 1 लीटर, मिल्क पाउडर 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, मैदा 1 टीस्पून, 1 अंडा, केसर 1 चुटकी, इलायची पाउडर 1 चुटकी, चीनी 200 ग्राम। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध को हम धीमी आंच पर उबालेंगे। दूध में हम चीनी डालेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे। केसर डालेंगे और दूध को हम चम्मच से हिलाएंगे। दूध को उबाल आ गया। अब हम दूध को धीमी आंच पर पकने रखेंगे। रसमलाई बनाने के लिए हम एक थाले में मिल्क पाउडर डालेंगे, उसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, मैदा डालेंगे, 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और सब चीजों को हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम 1 अंडा फेंट कर उसमें डालेंगे। सब चीजों को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। जरा भी गुन्ना नहीं है, सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा तेल लेंगे, हाथ को तेल लगाएंगे, रसमलाई के पेड़े तैयार करेंगे। रसमलाई के पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। पेड़े बनाने के लिए हमने न दूध डाला है न पानी डाला है। जो इंग्रेडिएंट आपके सामने डाले उसमें ही मिल्क पाउडर को मिक्स करके पेड़े बनाकर तैयार किए हैं। इसी तरह से आप लोग रसमलाई बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगी। अब हम एक एक करके पेड़े दूध में डालेंगे। हमें एक साथ पेड़े नहीं डालना है, एक एक करके डालना है। गैस की आंच हमें मीडियम रखना है। रसमलाई पकने तक हमें बर्तन में चम्मच जरा भी डालना नहीं है, नहीं तो हमारे रसमलाई के पेड़े टूट जाएंगे। ये पेड़े पककर अपने आप ऊपर आ रहे हैं। अभी एक एक पेड़े हल्के हाथों से हम पलट लेंगे। चम्मच को हमें हिलाना नहीं है, हल्के हाथों से पेड़े को पलटी करना है। हम एक बार कपड़े से पकड़ कर रसमलाई की बर्तन को थोड़ा हिलाएंगे। रसमलाई के पेड़े में अंदर तक दूध जाने के लिए इस तरह हम करेंगे, चम्मच से नहीं हिलाएंगे। मजेदार सी रसमलाई बनकर तैयार हो गई। ये रसमलाई के पेड़े बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से भी कच्चे नहीं है। ये रसमलाई तैयार हो गई है। अब हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये मजेदार सी रसमलाई की रेसिपी आप लोग हमने बनाई है उसी तरह से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगी। जरूर देखिए, जरूर ट्राई कीजिए कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।